खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों को पता ही गाइस, मैंने एक Q&A रखा था 200 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए। तो 200 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो चुके, और बहुत सारे मैंने Q&A भी, मतलब बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी किए कम्युनिटी टैब में और इंस्टाग्राम से भी। तो आज मैं वही करने वाला हूँ, Q&A ये वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और देखिए हमारे फैमिली से मेंबर, जो हमारे फैमिली है यूट्यूब फैमिली और इंस्टा फैमिली में, कैसे कैसे क्वेश्चन किए हैं मेरे से। बने रहिएगा Q&A में, क्योंकि बहुत सारे फनी क्वेश्चन भी हैं, और जो मुझे पढ़ के तो बहुत ही हंसी लगा, मज़ा लगा, और आप लोगों को भी मज़ा दूंगा। और गाइस, मैं इस कॉपी में यहाँ पे लिख रखा हूँ जितने भी मेरे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है गाइस, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस अपना उठा रहा हूँ इंस्टाग्राम से, जहाँ पे मैंने स्टोरी लगा के पूछा था सबसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स यू भम ने हमें क्वेश्चन किया है कि भाई इतने कम सब्सक्राइबर में Q&A। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत मेहनत करने के बाद मेरे को 200 सब्सक्राइबर मेरे 200 फैमिली हुए हैं। तो एक उत्साह किया, इस वजह से मैंने 200 सब्सक्राइबर में ही 200 फैमिली में ही Q&A किया। तो चलिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं समझता हूँ कि आपको मिल ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण, उनका क्वेश्चन है कि भाई ये चश्मा आपको कहाँ पर मिला जो DP में लगा है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि वो चश्मा कहाँ पर मिला जो मैंने चैनल के लोगो में लगाया। तो चश्मा गाइस मैंने फ्लिपकार्ट से 80,000 में मंगाया। तेरा घर इसमें चले जाएगा। सो गाइस, ये चश्मा मैंने यहाँ पे, मैं फिर जाता हूँ रनिंग करने के लिए, आप लोगों ने देखा ही होगा, वहाँ पे मुझे मिला था रास्ते में पड़ा हुआ। और मैंने बस मस्ती में, हम लोग दोस्त लोग थे, फोटो क्लिक करवा ली, और मेरा मन किया, और दोस्तों ने बताया कि इसी को तू लोगो रख, फनी भी लगेगा देखने में, तो मैंने लगा लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी इंस्टाग्राम से ही है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अननोन, कोई अननोन है, वही इनका नाम ही है वहीं पे। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी GH कितनी है। सो गाइस, मैं बता देता हूँ, मेरी GF एक एक भी सो गाइस यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ अपने दिल की बात उन्होंने लिख दी। तो पहला है PK परफुल, उन्होंने लिखा है तुम मस्त वीडियो बनाते हो भाई, ऐसा ही वीडियो बनाओ, बहुत ही आगे जाओगे। तो आप लोगों का सपोर्ट रहे तो मैं बहुत ही आगे जाऊंगा। आप लोगों सपोर्ट करते रहिए हर वीडियो में, हर मेरे चैनल को हर जगह शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो मैं बहुत ही आगे जाऊंगा। धन्यवाद ऐसी बातें लिखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो नेक्स्ट है फिर IG आदित्य, उन्होंने लिखा है अभी तो और आगे जाना है मेरे भाई। सो धन्यवाद, आप भी मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग बस ऐसा ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, तो मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो भी लाऊंगा और आगे भी जाऊंगा। सो गाइस, मुझे इंस्टाग्राम से बस इतने ही क्वेश्चंस मिले, बहुत ही बढ़िया मिले। अब चलते हैं यूट्यूब की ओर, जो यूट्यूब में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कम्युनिटी करके पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है प्रिंस ब्लॉग से। तो प्रिंस ब्लॉग ने लिखा है, सो व्हेन डिड इट अकर टू यू दैट यू शुड क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। हाँ, तो गाइस मैं बता रहा था कि मैं यूट्यूब पे 2019 से ही था, लेकिन वहाँ पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में, बस पता था कि वीडियो बनती है, वीडियो अपलोड करनी है बस। और उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरी मम्मी का फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी J2, तो मैं उसी से अपलोड करता था, और उसमें आप लोगों को पता ही है कि स्टोरेज कम ही होता है, तो ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता, तो इस वजह से मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पाता था, वीडियो अपलोड मतलब बनाता था, एडिट करता, फिर ऐप को डिलीट, और वीडियो अपलोड करने के बाद फिर वीडियो भी डिलीट, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अपलोड करता था, तो ज़्यादा रेगुलर तो नहीं रह पाया उस पर। इसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से मतलब हट गया, और ये वही चैनल है, पुराना चैनल ही, जिस पर मैं वीडियो डालता था। आप लोग नीचे बहुत सारा नीचे जाइएगा, और वैसे वीडियो हमारा पुराना वीडियो आप देख भी सकते हैं। और बस ऐसे ही, तो मेरे पास जब फ़ोन आया इसी 2022 में,
जुलाई के टाइम तो फ़ोन आया, लेकिन मैं अब वीडियो बनाना स्टार्ट किया अक्टूबर में। तो गाइस मैं आप लोगों को पकाना नहीं चाहता, यहाँ पे बोर नहीं दिलाना चाहता पकड़ करके। तो चलिए जल्दी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उन्हीं ने ही किया, प्रिंस ब्लॉग से नहीं। उन्होंने लिखा है, भाई तुम इतने स्मार्ट कैसे हो? तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, स्मार्ट तो मोबाइल होता है जो मेरे चेहरे को इतना स्मार्टनेस दिखाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रिंस ब्लॉग से ही है, प्रिंस ब्लॉग से ने ही नेक्स्ट क्वेश्चन किया। उन्होंने लिखा है, सिंस व्हेन हैव यू बीन रनिंग यूट्यूब? कि आप यूट्यूब में कब से हैं? सो गाइस मैं पहले ही बता दिया कि यूट्यूब मैंने 2019 में ही शुरू किया था, लेकिन वहाँ रेगुलर नहीं रह पाया। लेकिन फिर से मेरे पास जब मोबाइल आ गया तो मैं इधर रेगुलर हूँ, यानी यूट्यूब में 2022 से ही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम कुमार ने इन्होंने लिखा है कि भाई आप शादी कब करोगे? कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब कुछ भी। सो गाइस मैं सबसे पहले इनको बता देता हूँ कि मैंने बोला कि क्वेश्चन करो, ये इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा भी लिख दो। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है गोलू कुमारी की ओर से। तो उन्होंने लिखा, आप कहाँ से? मैं इर्थ से नहीं, झारखंड से। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज कुमार ने किया, वह क्वेश्चन है ब्लॉगिंग कमन कैसे बना था आपका, यानी मैं ब्लॉगिंग कमन कैसे बना था आपका? तो मैं उनसे बता देता हूँ। और उन्होंने लिखा, आई लाइक इट आवर वीडियोस, इसके लिए धन्यवाद। और ब्लॉगिंग कमन वैसे तो देखो गाइस, मैं मेरे को ब्लॉगिंग करा मन नहीं था उतना, मैं कॉमेडी वीडियो बनाना चाहता था, बट उसके लिए ग्रुप चाहिए था। और वैसे मेरे दोस्त भी है, बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो अपने अपने काम में व्यस्त रहते, तो अकेले को यही बस ब्लॉग से ही इन्जॉय कर लेता हूँ और ब्लॉग में ही कॉमेडी कर देता हूँ। इस वजह से मुझे ब्लॉगिंग का मन बना बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीम फैक्ट 87 ने किया, आप लोगों को कैंप में कैसा? कि यहाँ से मैंने जब हम लोग गए, मतलब दो दिन बीत गया, बहुत ही यहाँ का हमारे गांव का हमारे घर का आ रहा था, बट तीसरे दिन में वहाँ के लोगों से घुल मिल गया, वहाँ सबसे मिल लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और जब मैं यहाँ पे आया तो वहाँ की याद आने लगी, बट कैंप में बहुत ही अच्छा लगा। और फिर कभी मौका मिला तो फिर से जाऊँगा। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप कुमार, उन्होंने कमेंट किया है, भाई आप वीडियो कैसे एडिट करते हो? तो मैं वीडियो मोबाइल से एडिट करता हूँ। तो चलिए फिर से बढ़ता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि कौन से ऐप से एडिट करते, तो मैं वीडियो मेकर से करता हूँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंटू कुमार ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि कौन सा मोबाइल से वीडियो बनाते हो? तो गाइस मैं बता देता हूँ कि मेरे पास जो मोबाइल है वो सेकेंड हैंड मोबाइल है, वीवो V9, तो मैं उसी से वीडियो बनाता हूँ, क्वालिटी में जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे है टोनी राकेश ने यहाँ पे किया है, आपका फेवरेट यूट्यूबर? सो मैं बता देता हूँ कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है। तो पहले आप आवाज़ सुन लीजिए, 24 वीट के बदले में अगर एक एमराल्ड मिलता है और हमको 24 एमराल्ड, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये किन की आवाज़ है। तो मिस्टर छगन, बट छगन के नाम से उन्हें बहुत लोग भी जानते हैं, और ट्रिगर्ड इंसान वो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही Q&A था, इतना ही क्वेश्चन था। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तेरा घर इसमें चले जाएगा तू मुझसे।